सुकमा पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा, इनके संयुक्त प्रयास से आज सुकमा में 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें टोटल 8 लाख का एक, 5 लाख का एक, 1 लाख के दो और एक भरमार वेपन सहित सरेंडर किया है। आदरणीय आईजी सुंदरराज सर, डीआईजी अरविंद राय सर, डीआईजी जगदलपुर, इनके मार्गदर्शन में जो पुनर्नारकरण का अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत विविध बटालियन, विविध थाने, एसडीओपीज द्वारा ये आत्मसमर्पण कराया गया। टोटल 16 आत्मसमर्पण में 74 वाहिनी द्वारा पदाम सोमा, सोडी बुद्री, कवासी पाले, इसके नाम पे 8 लाख का इनाम है। उसके अलावा पोलमपली थाने के प्रयास से पोडियम सुक्का थाना पोलमपली में उसके अगेंस्ट 18 स्थायी वारंटी है। पोडियम पोज्जा उसके अगेंस्ट पोलमपली में 16 स्थायी वारंट है। उसके अलावा 131 वाहिनी सीआरपीएफ के आसूचना सौका द्वारा पदाम देवा जो सीएनएम अध्यक्ष एलमा गुंडा का, माड़वी आयता, हेमला मासा और माड़ी हिडमा ने आत्मसमर्पण किया है। माड़वी हिडमा ने भरमार के साथ आत्मसमर्पण किया है, वेपन आप देख ही सकते हो। उसके अलावा जो 226 वाहिनी है सीआरपीएफ, उनके द्वारा नीलम कवासी ने उस पर 1 लाख छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इनाम रखा गया था, जो मिलिशिया कमांडर जैमर की थी, उसने आत्मसमर्पण किया है। थाना तोंगपाल, एसडीओपी तोंगपाल, उनके प्रयासों से टोटल 5 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। उसमें कवासी मोटू मिलिशिया सदस्य, कवासी सोमड़ू, मड़कम सोमड़ू, मड़कम सुकड़ा, मड़कम फड़मा, इन लोगों का समावेश है। ये सभी नक्सलियों का आत्मसमर्पण ये दिखाता है कि शासन की जो कल्याणकारी योजना है, नक्सलियों की जो खोखली विचारधारा है उसे परेशान होकर उबकर इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। शासन के जो रास्ता है, विकास को रास्ता है, इन पर ये आत्मसमर्पण नक्सलियों ने विश्वास जताया है और आने वाले समय में भी ऐसे